नमस्कार जीएसटीवी में आपनु स्वागत छे। हूं छु भद्रेश, आप जोई रह्या छो सत्तानो संग्राम। समाचारनी शरूआत करीए। गुजरात विधानसभा चूंटणी पहला कांग्रेसने सौथी मोटो फटको पड्यो छे अने मात्र कांग्रेस नहीं परंतु विधानसभाने सौथी वरिष्ठ नेता एवा मोहनसिंह राठवाए पार्टीने राम राम कह्या छे। तेओ भाजपनो केसरियो खेस धारण करवा जई रह्या छे, त्यारे मोहनसिंह राठवा उपरांत तेमनो पुत्र राजू राठवा पण भाजपमां जोडाशे। मोहनसिंह राठवाए 2022 विधानसभा चूंटणी नहीं लड़वानी जाहरात करी हती, जो कि तेमणे पुत्र माटे टिकिटनी मांगणी करी हती अने आजे तेओए कांग्रेसने अलविदा कही दीधुं छे। मोहनसिंह राठवा पासे मोटी आदिवासी वोट बेंक होवानुं पण मानवामां आवी रह्युं छे, त्यारे आदिवासी पूर्व पट्टीमां रहेवानुं मोटुं नाम छे। त्यारे नरेन्द्र मोदीए गुजरात चूंटणीनी जाहरात बाद प्रथम सभा आदिवासी विस्तार वलसाडमां कपराड़ामां करीने आदिवासी मतबेंकने कब्जे करवा संकेत आप्या हता અને આજે આ દિગ્ગજ નેતાનું ભાજપમાં જવું મોદીની મજબૂત પોલિટિકલ પ્લાનિંગનો સંકેત છે। તો મોહનસિંહ રાઠવા દ્વારા હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે। મોહનસિંહ રાઠવાના ભાજપમાં જોડાવાને કારણે કોંગ્રેસને સૌથી મોટું નુકસાન થવા જઈ રહ્યું છે। કોંગ્રેસમાંથી ટિકિટની માંગણી કરવામાં આવી હતી, પોતાના પુત્ર માટેની ટિકિટ માંગણી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ આખરે આ માંગણી સંતોષવામાં નથી આવી અને જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવાનો નિર્ણય મોહનસિંહ રાઠવા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા હવે કોંગ્રેસને સૌથી મોટો ઝાટકો લાગી રહ્યો છે। મોહનસિંહ રાઠવા કોંગ્રેસમાંથી હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવા જઈ રહ્યા છે, પરંતુ આ બધા જ સમીકરણ પાછળ કોંગ્રેસ નેતા હેમંત રાવલ અમારી સાથે જોડાયા છે। હેમંતજી, જીએસટીવીમાં સ્વાગત છે આપનું। હેલો। હાજી ભદ્રેશભાઈ જી। હેમંતજી, મોહનસિંહ રાઠવા ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવા જઈ રહ્યા છે, કોંગ્રેસને સૌથી મોટું નુકસાન। मोहनसिंह राठवा अमरा एक दिग्गज नेता है, अमरा जेवा कार्यकर्ताओं आदर्श और प्रेरणा स्रोत था, परंतु एमने ज्यारे हवे भारतीय जनता पार्टी में जोड़ावानो निर्णय करी लीधो है, तो ये बाबते हूँ एक कांग्रेस पक्षना प्रवक्ता तरीके कहूं छूं के आदिवासी समाजनी अंदर अमारी पासे खूब ज मोटुं नेतृत्व है। आदिवासी समाजना जेटला पण नेताओ छे, भाई अनंतभाई होय, आनंदभाई चौधरी होय, डॉक्टर तुषार चौधरी होय के पछी नारायणभाई राठवा होय, असंख्य आदिवासी समाजना नेताओं कांग्रेस साथ जोड़ायेला है। एटले मोहनसिंहजी राठवा हूँ फरीथी एकवार कहूं छूं के खूब ज महत्वना अमारा आगेवान हता, परंतु एमना जवाथी मारा जेवा कार्यकर्ताओने फरक पड़शे, दुख थशे, परंतु कांग्रेस पक्षने कोई फरक पड़वानो नथी। हेमंतभाई, टिकिट नहीं आपीने नुकसान वरवानो वारो आव्यो छे कांग्रेस माटे। परिवर्तन संसारनो नियम छे, गीतानी अंदर लखेलुं छे अने परिवर्तन माटे थईने टिकिट आपवी ना आपवी आखी कमिटीनो निर्णय होय छे, कोई एक व्यक्तिनो निर्णय नथी होतो। दरेक पासा जोवामां आवता होय छे, स्ट्रेंथ एनी जोवामां आवती होय छे, ऑपोर्च्युनिटी जोवामां आवती होय छे, वीकनेस जोवामां आवती होय छे, थ्रेट्स जोवामां आवती होय छे अने निर्णय जे छे एक व्यक्तिनो नहीं सहियारो निर्णय होय छे। हजी सुधी मने टिकिटनी बाबतमां हुं पोते पण आ बाबतमां अजाण छुं के कई बाबत आमां छे, परंतु मोहनसिंहजी राठवाना जवाथी एक कार्यकर्ता तरीके मने दुख थयुं छे, परंतु कांग्रेस पक्ष तरीके एक प्रवक्ता तरीके हूँ कहूँ तो आदिवासी समाजनुं बहु ज मोटा नेतृत्व अमारी साथे छे अने आवनारी चूंटणीमां अमने मोहनसिंहजीना जवाथी कोई देखीतो फरक नहीं देखाय। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीनी आ पॉलिटिकल प्लानिंग मानवामां आवी रही छे हेमंतभाई, कारण के कपराड़ामां बेठक जाहेर सभा करवी त्यारबाद मोहनसिंह राठवा कांग्रेस छोडीने भाजपमां जोडाई जाय। वडाप्रधान श्री आटला देशना आपड़ा वडाप्रधान छे अने एमने पण जो गुजरातनी अंदर आदिवासी समाज जे एमनो विरोधी छे एमने खबर छे नर्मदा तापी पार्लिंग जेवी योजना होय के पछी जड़ जमीनना प्रश्नो होय, आदिवासी समाजनो जे अत्यारे गुजरातनी अंदर 28 बेठको आदिवासी समाजनी जे मजबूताईथी जीती शकाय एवी बेठको कांग्रेस माटे छे अने 42 થી 48 બેઠકો ઉપર આદિવાસી સમાજ નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે, ત્યારે આ મોદીજીનો અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ડર દેખાઈ રહ્યો છે આદિવાસી વોટ મેળવવા માટે થઈને, પરંતુ તેમની આ મુરાદ એ બહાર નહીં આવે એવું આદિવાસી સમાજે નક્કી કરેલું છે। હેમંતભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને વાત કરવા બદલ। તો દર્શક મિત્રો, કોંગ્રેસના નેતા હેમંત રાવલે કહ્યું છે કે એટલું મોટું નુકસાન કોંગ્રેસને નહીં જાય, કારણ કે તેમની પાસે આદિવાસીનું મજબૂત નેતૃત્વ છે। तो आज अंगे अमरा संवाददाता जतीन पण जोड़ाया छे। जतीन, जणावशो शुं समीकरण गोठवाई रह्या छे ज्यारे मोहनसिंह राठवा भारतीय जनता पार्टी में जोड़ावा जई रह्या छे, कांग्रेसने आनाथी केटलो फरक पड़ी रह्यो छे? कांग्रेसना नेता हेमंतभाई कही रह्या छे के एटलो मोटो फरक नहीं पड़े, पण आपने शुं लागे छे कि आदिवासी वोट बेंक केटली प्रभावित थशे? गुजरात विधानसभा चूंटणीने लई सौथी मोटा समाचार कही शकाय। आदिवासी ने रिजवा माटे भाजप जे छे ते भाजपा केन्द्र नेताओं खुद वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी खुद अमित शाह जे छे ते आदिवासी बैठकों पर कब्जो मेळववा माटे तलामार तैयारीओ करी रही थी। आदिवासी विस्तारों में जईने मोटमोटा कार्यक्रमों करती थी। आदिवासी माटे तमाम प्रकारनुं आयोजनों जे छे ते भारतीय जनता पार्टी द्वारा करवामां आव्युं छे। खास करीने जे आदिवासी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जे पोतानो वर्चस्व जोवा मांगती हती ते साबित थई रह्युं छे। कही शकाय के जे राजीनामु आप्युं छे तेने लई क्यांक ने क्यांक कोंग्रेसने बहू मोटो झटको जे छे ते पड़ी शके छे। आज रोज कमलम खाते 6 वाग्याना समयनी आसपास तेओ मीडिया सेंटरे आवशे। त्यारबाद संगठन महामंत्री प्रदीप सिंह वगेला जे छे तेओना हस्ते तेओ भाजपने अंदर जोडावाना छे। एटले के खास करीने जे प्रकारे 182 विधानसभा सीट पर भाजप कब्जो मेळववा इच्छी रही छे तेने आदिवासी सीटोनुं प्रभुत्व વધારવા માટે आदिवासी सीटों पर कब्जो मेळववा माटे भाजपे आ प्रकारनुं जे तैयारी जे छे ते करी छे ने थोडीक ज वारमां तेओ कमलम आवशे ने प्रदीप सिंह वगेलाना हस्ते तेओ कमलम खाते जोडाशे। जी जी जतिन धन्यवाद समग्र माहिती आपवा बदल। दर्शक मित्रो टूंक समयमां मोहनसिंह राठवा भारतीय जनता पार्टीनो खेस धारण करवा जई रह्या छे। प्रदीप सिंहनी આગેવાનીમાં તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવા જઈ રહ્યા છે। तो गुजरात विधानसभा चूंटणी पहला कांग्रेसने सौथी मोटो झाटको जोवा मळी रह्यो छे। गुजरात विधानसभा चूंटणी पहला मोहनसिंह राठवा कांग्रेसमांथी हवे भारतीय जनता पार्टीमां जोडावा जई રહ્યા છે। तो आज अंगे वधु विगत आपी रह्या छे अमारा संवाददाता धवल। आ धवल जणावशो कया प्रकारना समीकरणो गोठवामां आवी रह्या छे? मोहनसिंह राठवा ज्यारे कांग्रेस छोडीने भाजपमां जाय छे तो कांग्रेसने केटलुं मोटुं नुकसान? भद्रेश बात कर छोटा उदेपुर जिला में जो राठवा समाज है दबदबो रहेलो छे। जो त्रिपुटी कहवामां आवे छे मोहनसिंह राठवा, नारायण राठवा और विपक्ष नेता सुखराम राठवा आ त्रण नेताओं दबदबो छोटा उदेपुर जिला में रहेलो छे। एमांथी बे नेताओं पोताना पुत्र माटे टिकट मांगी थी। जेमां मोहनसिंह राठवाए पण कहेवामां आव्युं के हूँ नहीं लड़ू आ वखते चूंटणी पण मारा पुत्र राजू राठवा ने चूंटणी लड़वानो मौको आपो पण पक्षे मंजूर नथुं। कदाच मोहनसिंह राठवा ने वातनुं खोटुं लाग्युं तेवुं पण लागी रह्युं छे। कारण के आज राजीनामु आप्युं छे, हजी उमेदवारोनुं डिक्लेरेशन बाकी छे। तरत ज राजीनामु आपवुं अने भाजपनी साथे भळी जवुं एटले के पुत्रने जे टिकट आपवानी वात हती के भाजप ए वात साथे सहमत थई छे। तेथी आज मोहनसिंह राठवाए राजीनामु आप्युं छे। कांग्रेसने एक बहुत मोटो झटको कही शकाय के जे सीनियर धारासभ्य समग्र विधानसभा धारासभ्य कहते सौथी सीनियर धारासभ्य अत्यारे मोहनसिंह राठवा तरीके पोतानी 10 टर्म एटले के 50 वर्ष सुधी धारासभ्य पद तमने भोगव्युं हतुं। कांग्रेसना शासननी अंदर कांग्रेस पक्ष साथे रहीने तमने विपक्ष नेतानुं पण पद मळ्युं हतुं, मंत्री सुधीनुं पण पद कांग्रेस द्वारा आपवामां आव्युं हतुं। जी जी धवल राजू राठवा ने भाजपमांथी टिकिट मळवानी शक्यता केटली लागी रही छे जो भाजपमां जोडाय छे? तो जी टिकिट मळवानी शक्यताओनी वात करवामां आवे तो कोईपण सहमति सधाई हती त्यारे जे आटला सीनियर नेता जे छे जे 50 वर्ष सुधी कांग्रेसनो साथ रह्यो हतो अने जे दबदबो तेमनो कांग्रेसनो रह्यो हतो। छोटाउदेपुर जिल्लामां ते जे बैठको बदली हती पावीजेपुर उपरथी पण लड्या हता अने बादमां छोटाउदेपुर बैठक उपर पण सुधी लड्या हता अने जीतता आव्या हता। एटले कदाच बनी शके के टिकिट माटे सहमति सधाई हती तेनाथी ज તે લોકો ભાજપમાં જોડાઈ રહ્યા છે। જી ધવલ ધન્યવાદ સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ। તો દર્શક મિત્રો અહીંયા સૌથી મોટો ઝાટકો કોંગ્રેસને જોવા મળી રહ્યો છે। મોહનસિંહ રાઠવા ટૂંક સમયમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવા માટે જઈ રહ્યા છે। આજ અંગે વધુ વાત કરવા માટે અમારી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા છે રાજકીય વિશ્લેષક પ્રશાંત ગઢવી। પ્રશાંતજી સ્વાગત છે આપનું જીએસટીવીમાં। જી ભદ્રેશભાઈ પ્રશાંતજી શું સમીકરણ લાગી રહ્યું છે? આદિવાસી વોટ બેંક કેટલી પ્રભાવિત થઈ શકે છે? મોહનસિંહ રાઠવા જે વર્ષોથી કોંગ્રેસમાં જોડાયેલા હોય ને હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જશે, ટિકિટની જે વહેંચણીની અત્યારે બાબતો ચાલી રહી છે એમાં જ ક્યાંક નારાજગી સામે આવી રહી છે, આપનું विश्लेषण? हाँ एटले आदिवासी वोट बैंक जे छे आम तो कांग्रेस कमिटेड कहेवाती एक समय हतो पण छेल्ला घणा समयथी एमांथी विमुक्त थई अने स्केटर्ड थई, थोड़ी बीजेपीमां थोड़ी कांग्रेसमां गई। पण छोटाउदेपुर ने आसपासना विस्तारना गढ़ कहेवाय कांग्रेसना 11 वखत सतत 18 टर्मथी लड़ता मोहनसिंह राठवा यकायक राजीनामु आपे। एमां बे वस्तु समजवा जेवी छे। एक तो एमनी पण उंमर 75 करता वधारे छे। भारतीय जनता पार्टीनुं पहेलुं ज एक केरेक्टरिस्टिक एवुं एमणे क्राइटेरिया नक्की कर्यो छे કે 75 વર્ષથી ઉપર એને ટિકિટ નહીં મળે। તો હવે આપણે સમજવાનું છે કે આગામી સમયમાં એમના એટલે શું કહેવાય કોને સેટ કરવા માટે પણ એક આખી વોટ બેંક જે છે એ વિમુક્ત થઈ શકે છે અને ભાજપનો જે પ્રયત્ન છે જે કદાચ એવું બની શકે કે સ્ટેટસ કો પોઝિશનમાં ભાજપની જીત નિશ્ચિત હોય પણ એમને વધારે સીટો જોઈતી હોય તો એવી સીટો જ્યાં ભાજપ ક્યારેય જીત્યું નથી ત્યાં કોંગ્રેસના જેટલા બી ઉમેદવારો કે ધારાસભ્યો છે એમને ભાજપ પ્રતિષ્ઠી નાખો એટલે એ સીટ ભાજપ થઈ જાય આવી એક રણનીતિથી ચાલી અને એમનો નંબર 120 થી ઉપર કરવાનો જે પ્રયત્ન છે એમાં કદાચ ભાજપ સફળ થઈ શકે. પ્રશાંતજી, જ્ઞાતિ સમીકરણ કેટલું અસરકારક સાબિત થઈ રહ્યું છે? એક બાજુ કપરાડામાં વડાપ્રધાનશ્રીની જે સભા હતી ત્યારબાદ સૌથી મોટા અને વરિષ્ઠ નેતા એવા કોંગ્રેસના મોહનસિંહ રાઠવા ભાજપમાં જોડાઈ જાય છે. આ એક પ્લાનિંગ પાછળ જ્ઞાતિ સમીકરણ શું જોવા મળી રહ્યું છે આપને? ગુજરાતમાં 1 કરોડ કરતા વધારે વસ્તી આદિવાસીની છે અને 27 રિઝર્વ સીટ વત્તા બીજી 20 જેટલી પ્રભાવિત સીટો એટલે 45 થી 50 સીટો એવી છે જ્યાં આદિવાસી વોટ બેંક બહુ મોટી છે. એ ધારે એ નક્કી કરી શકે છે અને એ લોકો જો ડિસિઝન લે તો બધા એક તરફી જાય, એક પક્ષી સરકાર પણ બની શકે એમ છે. અને કોંગ્રેસમાં SC ST OBC માઇનોરિટીની વોટ બેંક અત્યારથી અપબંધ રહેતી હતી વિમુક્ત થઈ ગઈ એટલે આનો બહુ મોટો પડઘો પડે એમ છે. જે 45 સીટો પ્રભાવિત છે ખાસ કરીને જયારે અમુક બેલ્ટ એવા છે જે હાર્ડકોર કોંગ્રેસી રહ્યા છે એ પણ જો આ બધું જાય તો આદિવાસી મતદારો જે છે એ ફ્લક્ચ્યુએટ થાય અને અત્યારે સરકાર ભાજપની છે કે ગામના લોકોનો ઉપયોગ કરીને ભાજપ એમને કોઈ પણ જાતનું પેલું આપી શકે છે તો ભાજપને સીધો ફાયદો થાય. યાર, પ્રશાંતજી, પણ ટિકિટની લઈને આ જે વિવાદ જોવા મળ્યો છે કે જેમાંથી કોંગ્રેસમાં નારાજગી દર્શાવવામાં આવી છે મોહનસિંહ રાઠવા દ્વારા, ભાજપમાં જોડાવાથી એ શક્યતા કેટલી મજબૂત લાગે પરિબળ કે રાજુ રાઠવાને પણ ટિકિટ મળી શકે? એટલે મેં હમણાં તમને સમજાવ્યું એ રીતે કે આમની તો પ્રશાંતભાઈ આપ જોડાયેલા રહેજો. આલોક શર્મા, કોંગ્રેસ નેતા, આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. આલોકજી, આપ स्वागत है आपका GSTV में. धन्यवाद जी. आलोकजी, ये चुनाव जब नजदीक आते हैं तब कांग्रेस में से बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उसमें एक नाम एक और जुड़ गया है मोहनसिंह राठवा. कितना फर्क पड़ेगा चुनाव में? देखिए, अभी मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है कि उन्होंने इस तरह का कोई इस्तीफा दिया है. कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं और क्यों पार्टी छोड़ी है इस बारे में बेहतर तो वही बता सकते हैं कि इतने लंबे समय से उनका कैरियर कांग्रेस में रहा और अब जाने का क्या कारण है. हम तो यही कहेंगे कि भाजपा में अगर जाते हैं तो भाजपा जिस तरह का ऑपरेशन कमल चलाती है मुझे ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव होगा. लेकिन मैं अभी यही कहूँगा कि वो क्यों जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मेरे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है और इसका उत्तर बेहतर वही देगा. नहीं, आलोक जी, आपने बोला कि मीडिया से पता चला है, तो मीडिया से ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि उनके पुत्र के लिए टिकट की मांग की गई थी लेकिन वो मानी नहीं गई है. तो क्या लग रहा है आपको कि टिकट की वजह से भी कांग्रेस में से बहुत सारे लोग ऐसे चुनाव में छोड़ के जाते हैं पार्टी को, तो ये इसकी नौबत क्यों आ रही? लेकिन देखिए, टिकट के लिए मांगा था नहीं मांगा था इस बारे में मेरे पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है. लेकिन इतना जरूर है कि टिकट का प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस रहता है जी और हम विनेबिलिटी और तमाम फैक्टर्स को देखकर ही टिकट देते हैं. प्रदेश इलेक्शन कमेटी से शुरू करके और तमाम चीजों पर जिस तरह से चर्चा होने के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उस पर मोहर लगाती है और अभी तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हुआ भी नहीं है. अभी तो केवल एक लिस्ट आई है, क्या कारण है ये बेहतर वही बता सकते हैं. नहीं, लेकिन आलोक जी, आपको क्या लग रहा है कि अगर टिकट की प्रोसेस इतनी लंबी चलती है, सब मुद्दों पे ध्यान में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मोहनसिंह राठवा ने मांग की है अपने पुत्र के लिए टिकट के लिए, तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस को एक डर भी है परिवारवाद का जहाँ पे आरोप लगाया जाता है? देखिए, मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, ना ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास कि उन्होंने किस वजह से पार्टी को छोड़ा है, वो अपने टिकट अपने बेटे के लिए मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे जी. इसके बारे में जगदीश राठौर साहब और सीनियर लीडर्स बता सकते हैं. लेकिन अगर वो जा रहे हैं तो उनको शुभकामनाएं. गुंजाइश लग रही है गुजरात विधानसभा चुनाव में मोहनसिंह राठवा की कमी यहाँ पे नुकसान करवाएगी कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक 125 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन फिर भी अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति जाता है तो प्रयास किए जाने चाहिए कि वो ना जाए जी. तो आपके कितने प्रयास रहेंगे मोहनसिंह राठवा को मनाने के लिए? मैं इस बारे में नहीं कह पाऊंगा क्योंकि अब उनका रेजिग्नेशन आया है मीडिया के माध्यम से और अगर वो सच है जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया है तो शायद वो एक पहली वाली ऑप्शन जो है शुरुआत की वो तो उन्होंने स्वयं ही बंद की है. ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक जी, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए शुक्रिया. तो दर्शक मित्रों, मोहनसिंह राठवाए 50 वर्ष सुधी कांग्रेसમાં કામ કર્યું છે અને આટલા મોટા નેતા અને વરિષ્ઠ નેતા અને એવા કોંગ્રેસમાંથી બાય બાય કરી રહ્યા છે. મોહનસિંહ રાઠવાએ ચૂંટણી ન લડવાની પણ વાત કરી હતી. આખરે તેમણે મોહનસિંહ રાઠવાએ પુત્રને કોંગ્રેસમાંથી ટિકિટ આપવાની માંગ કરી હતી. તો મોહનસિંહ રાઠવા છેલ્લા 55 વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી કોંગ્રેસના સક્રિય રાજકારણમાં રહ્યા છે. તેમણે 1972 थी तेओ छोटा उदेपुर विस्तार में राजकीय दबदबो धरावे छे। तेओ 10 वखत धारासभ्य तरीके चूंटाया छे, 50 वर्ष करता वधु समयथी विधानसभाना सभ्य तरीके प्रतिनिधित्व कर्युं छे। तेओ विधानसभाना विपक्षना नेता तरीके पण कामगीरी करी चूक्या छे। तेओ केबिनेट प्रधान तरीके पण कामगीरी करी चूक्या छे। तो साथे ज आदिवासी बेल्ट गणाता पूर्व पट्टीमां तेमनुं प्रभुत्व खूब ज वधारे पड़तुं जोवा मळी रह्युं छे।